हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना, अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी, देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। कपिल जी, ये पूरा क्या प्रोग्राम है विस्तार में बताइए। राष्ट्रीय कवि संगम अखिल भारतीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कवियों का एक मंच है। कवियों, साहित्यकारों, कवि साहित्य प्रेमियों का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। लगभग 16-17 साल पहले दिल्ली के अंदर रोहिणी में राष्ट्रीय कवि संगम की स्थापना हुई और तब से ही लगातार कार्य बढ़ता ही जा रहा है। कवि, साहित्यकार, लेखक लगातार जुड़ रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर 28 प्रांतों में और विदेशों में 12 देशों में अपना काम है। इसकी शुरुआत माननीय इंद्रेश कुमार जी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, हमारे अधिकारी हैं, आदरणीय जगदीश मित्तल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, हरिओम पवार जी आदि ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों ने, महानुभवों ने लगभग 16-17 वर्ष पूर्व दिल्ली में इसकी स्थापना हुई और तभी से काम देशभर के अंदर चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि हमारा राष्ट्रीय काव्य पाठ प्रतियोगिता भगवान श्री राम के ऊपर पूरे देश के अंदर चल रही है और इसका काव्य पाठ के अंदर पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में जिला स्तर पे हम काव्य पाठ प्रतियोगिता भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की महिमा, उनका शील सौंदर्य, उनका वर्णन करते हुए ऐसी काव्य पाठ प्रतियोगिता पूरे देश में जिला स्तर पर आयोजित कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पूरे देश में आ रहा है। कई जगह पर यह आयोजित हो चुकी है, कई जगह चल रही है। इसके लिए विशेष रूप से पूरी टीम हमारी दक्षिण दिल्ली प्रांत में बनी है और अभी यहाँ 12 सितंबर को, संडे को, रविवार को कालका जी में लक्ष्मी नारायण मंदिर, ई ब्लॉक मंदिर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर यह कार्यक्रम हमारा संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जगदीश मित्तल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे रहेंगे, साथ ही हमारे दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी श्रीमान मनमोहन गुप्ता जी, दिल्ली के अध्यक्ष श्री एस गुप्ता जी और हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक प्रतियोगिता के सह संयोजक श्री पी के आज़ाद जी रहेंगे। और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारी टीम ने बहुत अच्छे से, उसमें स्वयं मैं अध्यक्ष के नाते दक्षिण दिल्ली प्रांत में, उपेंद्र पांडे जी जो कि कवि हैं, हमारे मंत्री हैं, मणिराम गर्ग जी प्रबुद्ध समाज सेवी कालका जी से आते हैं, वो हमारे सह संयोजक हैं, नीतू तिवारी जी आप एडवोकेट हैं और साथ में हमारी सह संयोजिका हैं, इसके अलावा अमरनाथ जी हमारे संरक्षक हैं और व्यवस्था प्रमुख के नाते वो सारा काम देख रहे हैं, राजेंद्र कलकल जी स्वयं एक कवि हैं व्यवस्था के सह प्रमुख के नाते, निशी सिंह जी हमारी कोषाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ काम कर रही हैं, विकास आरोही जी हमारे मंत्री हैं, सह व्यवस्था प्रमुख हैं, कवि हैं, शशि पांडे जी कवित्री हैं, हमारा जो कालका जी जो जिला है उसकी आप अध्यक्षा हैं, उन्हीं के साथ रश्मि जी हमारी उपाध्यक्ष हैं, अमरेंद्र जी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अतिथि समन्वय ऐसा विषय, और आप दौलत शर्मा जी हमारे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर के नाते सदस्य के रूप में काम देख रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के लिए अब तक 130 के आसपास प्रतिभागी हमारे पास एनरोल हो चुके हैं और अच्छी संख्या में रिस्पॉन्स आ रहा है। कालका जी के जो लोकल लोग हैं, दक्षिण दिल्ली के जो लोग हैं, हम उनको बड़े पैमाने पे, क्योंकि कालका जी में कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे, और इसके अलावा दक्षिण दिल्ली में हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और हमें लगता है कि हम भगवान प्रभु श्री राम के इस कार्य को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। और इसके ठीक बाद, कुछ समय बाद, श्री राम वनगमन यात्रा का ऐसा एक कार्यक्रम पूरे देश और देश के बाहर होने वाला है, तो हम सभी आपकी आशीर्वाद, स्नेह और शुभकामनाओं के अभिलाषी हैं कि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो।